राम राम भाई। सारे ने कैसे हो? सारे आई होप सारे बढ़िया हो गए। तो भाई हमने रोटी वोटी खा के बढ़िया फ्रेश हो गए और अब निकलते हैं नेपाल पोखरा के लिए। तो भाई अब जा रहे हैं बस स्टैंड पे, बस पकड़ेंगे और फिर निकलते हैं नेपाल के लिए बॉर्डर पे, बॉर्डर से फिर पकड़ेंगे बस पोखरा के लिए। तो चलो मिलते हैं फिर, सी यू देयर गाइस। भाई ये बस स्टैंड है गोरखपुर सुनौली लिखा हुआ देखो, और ये टैक्सी स्टैंड भी है। सो भाई बस पकड़ ली हमने और बस में बैठ गए हैं। और ये यहाँ से बॉर्डर है सुनौली बॉर्डर नेपाल का, हार्डली 30 किलोमीटर, तो 1.5 घंटे हमें लगेंगे रोडवेज से, क्योंकि रुकती हुई जाएगी। तो भाई हम बस से उतर गए बॉर्डर पे, बस स्टैंड बॉर्डर पे, सुनौली बॉर्डर पे, और अब हम जा रहे हैं इंडिया और नेपाल के गेट पे, मतलब बॉर्डर की साइड। तो यहाँ से 200 मीटर ही है बॉर्डर, तो अब जाते हैं, चलो दिखाएंगे। मेरे साथ राजा भी है और एक तो और भी है। Hey Raja, how are you, man? I'm just feeling very, very good. You're feeling very good? Yes. How's you right now? How's you feeling? Hi. How are your jokes? Hi. And what are thoughts? Hi. See, Nepali number, भाई ये नेपाली स्कॉर्पियो, नेपाली स्कॉर्पियो नंबर देखा इस पागे। ये नंबर देखो नेपाल का लाल, ये जा रहा बॉर्डर की साइड रोड, और सामने वो जो वहाँ से चौक है उसके जस्ट आगे ही है गेट। तो चलो चलते हैं भाई, मज़ा आने वाला इस ट्रिप पे, बढ़िया इन्जॉय करेंगे। भाई ये देखो जाम लगा हुआ सारे, ये गाड़ी का पास बनवाने के लिए लाइन लगी हुई है। ये बोरा बॉर्डर देखो गेट इंडिया का, आगे बॉर्डर पे ये अपना इंडियन गेट है, ये रहा देखो इंडियन गेट है। और यहाँ ये लगे हुए चेक पोस्ट वगैरह आर्मी वगैरह के। सुपर यार, मज़ा आ गया, अभी तो आगे चलो और मज़ा आएगा। ये अपना इंडिया गेट है और ये बीच में स्पेस है इस साइड भी और इस साइड भी, और ये है नेपाल का गेट। यहाँ खड़े होंगे आर्मी ऑफिसर वगैरह। ये पोखरा 180 किलोमीटर यहाँ से, लुम्बिनी 12 किलोमीटर कुछ है, 26 किलोमीटर दिखा रहा है। और ये है यहाँ पे आप है ना भाई, इंडिया से अगर गाड़ी ले जाते हो तो ये है यहाँ से पास बनेगा आपका। ये देखो लाइन लग रही है गाड़ी के पास के लिए, और हमारा गाड़ी तो है नहीं, हम तो पैदल जा रहे हैं। बाकी है इसका, अभी इसका कितना पैसा लगता है ये हमें भी नहीं पता, अगली बार गाड़ी खाएंगे तब देखते हैं कितने रुपये लगेंगे कितने नहीं लगेंगे। बाकी बस स्टैंड तो यहीं था इनका, सब देखते हैं। वो लग रही आगे बस सामने, तो चलो पकड़ते हैं पोखरा की बस। तो भाई अभी मेरे को ये नेपाल के आर्मी वाले थे, पता नहीं कौन थे, उन्होंने मैं वीडियो बना रहा था तो रोक लिया मेरे को, कह रहे इसको वीडियो में क्या है डिलीट करो, इसको नॉट यहाँ अलाउड नहीं है। फिर मैंने उनको समझाया कि ऐसा कुछ है नहीं वीडियो में, सिर्फ नॉर्मल ट्रैवल का वो बना रहे हैं ब्लॉग हम यूट्यूब वगैरह पे, तो कह रहे दिखाओ पहले। फिर उन्होंने सारी वीडियो देखी, उसके बाद उसने बोला फाइनली हमने बस की टिकट ले ली। और ये है बस टिकट देखो, यहाँ पे नेपाली में ऐसे नेपाली में लिखा हुआ सारी चीज़ें, ठीक है। और पैसे मैं दिखाता हूँ आपको, नेपाली पैसे हमने यहाँ चेंज करवाए हैं, 5000 के हमें 5000 हमने दिए तो हमें मिले 7850 रुपये। बाकी मैं नोट दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको। बस आएगी 5 बजे, 1 घंटे में फिर निकलेंगे, सुबह पहुँचाएगी हमें 5 बजे पोखरा। भाई बस आ गई हमारी, ये खड़ी पीछे मेरे बिल्कुल ही, ये रही हमने नॉर्मल बस ली है विदाउट एसी। और यहाँ अभी बज रहे हैं 5 बजने वाले हैं भाई, ठंड स्टार्ट हो गई बहुत कैडी, ठंड लग रही है। तो भाई बस अब बैठेंगे, बस में निकलेगी 5:45 या 6 बजे। भाई देखो जो बस हमने जिसमें हम बैठे हैं, ये बैठा मेरा राजा दोस्त। और राजा हाउ आर यू फीलिंग? धक धक हो रहा है, धक धक हो रहा है। हाउ इज द जोश? धक धक। तो ये तो भाई गुड मॉर्निंग, फाइनली हम पहुंच गए पोखरा बस स्टैंड। तो भाई अभी सुबह के बज रहे हैं, अपने इंडियन बज रहे हैं 4:45 और नेपाली बज रहे हैं भाई 5 करें। राजा हाउ आर यू फीलिंग मैन? इट्स सो कोल्ड मैन, बहुत। सो योर ड्रीम्स कम ट्रू टू टुडे? व्हाट? योर ड्रीम्स कम ट्रू टुडे? यस। गुड मॉर्निंग भाई, सुबह के बज रहे हैं 6:30 नेपाली और 6:15 बज रहे हैं इंडियन के। तो फाइनली हमने होटल ले लिया है और बस काम चला, होटल लिया है भाई बस स्टैंड के पास में। और भाई रास्ता तो पहाड़ों का बहुत ही ख़राब था, देहरादून वगैरह से भी ख़राब था, हिमाचल से भी ख़राब था बहुत ज़्यादा। हम बैठे थे रात को, शाम को सर 6 बजे निकली थी 5:45 पे वहाँ से, और यहाँ सुबह अभी उतारा उसने 4:45 पे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली, और यहाँ के टाइम के अकॉर्डिंगली 5 बज रहे थे, 15 मिनट आगे चल हैं यहाँ का टाइम। वो हमने होटल ले लिया है, अब बहुत ही नींद आ रही है, आँखों में दर्द हो रहा है, और भाई फ़ोन वगैरह चार्ज नहीं था तो जस्ट चार्ज करके फिर मैंने वीडियो शूट किए। टोटली जो हमारा एक्सपेंस था, हमने एक्चुअली क्या है कि हमें वहाँ पे
पहले तो चेक पोस्ट पे रोक लिया पुलिस वालों ने, जो नेपाली आर्म फोर्स थे उन्होंने, कि भाई आप वीडियो क्यों बना रहे हो। फिर उन्होंने सारी फ़ोन वगैरह चेक किए हमारे, उसके बाद बोला चलो जाओ आप। उनको लगा कि भाई गोली बम मारने ना आए हम। तो आज पूरा दिन हम पोखरा में ही रहेंगे, कल देखते हैं काठमांडू के लिए अगर प्लान कर सकते हैं तो कल रात में निकल जाएंगे काठमांडू, या रात में ही हम ट्रेवल करेंगे शाम को इवनिंग में। तो चलो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दब के देखो, अपना प्यार दिखाओ, सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, ताकि हम आने वाले टाइम पे और अच्छे अच्छे वीडियो आपको दिखा सकें, मतलब ट्रैवल प्लेसेस दिखा सकें बजट प्राइस के अंदर। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो और टेंशन फ्री रहो। जय श्री राम।